नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। एक के बाद एक नकाब हट रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के चेहरे से। सच का नकाब उतर के झूठ का चेहरा सामने आ चुका है। हम तो सही हैं जी। सर जी कितने सही हैं का नकाब उतर कर भ्रष्टाचार का नकाब सामने आ चुका है, और अब स्वीट आतंकवादी का जो स्लोगन मारने वाले का नकाब उतर कर गन वाले आतंकवादी, कारतूस वाले आतंकवादी का चेहरा भी सामने आ चुका है। एक वक्त था, अगर आप उस वक्त को याद करें, जब हमारे ये स्वीट आतंकवादी कहने वाले केजरीवाल सबकी पोथी देखकर इलेक्शन टिकट देते थे, सबकी ईमानदार और बेदाग उम्मीदवार आप पार्टी का कहकर। लेकिन अब क्या कहेंगे, कभी सोचा है आपने। पहले तो केजरीवाल ने मौजूदा सारे दलों को भ्रष्टाचारी और चोर डकैत कह दिया, लेकिन अब क्या कहेंगे, सोचा है आपने इस पे। स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, शिक्षा मंत्री, 17 मंत्रालय वाला मंत्री शराब घोटाले में जांच एजेंसियों के गिरफ्त में, और अब उनके दुलारे प्यारे अमानतुल्लाह अवैध हथियार के मामले में गिरफ्तारी के कगार पर है। जी हाँ, सही सुना आपने, केजरीवाल के सबसे प्यारे राज दुलारे विधायक अमानतुल्लाह खान, जिनके इशारे पे शायद केजरीवाल जी भी कभी कभी नाच जाते हैं, के पास से अवैध पिस्टल की बरामदी हुई है। एक बरामदी एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने छापेमारी में की है। शुक्रवार को एसीबी ने अमानतुल्लाह खान के दो ठिकानों में छापेमारी की दोस्तों, और अवैध हथियार के साथ 24 लाख रुपए के नकद की बरामदी हुई है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ वक्फ बोर्ड में कई बड़ी बड़ी गड़बड़ी के एवज में जांच चल रही थी। बताते चलूं आपको कि अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड दिल्ली के चेयरपर्सन भी हैं। पहले जब इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमानतुल्लाह खान को पूछताछ के लिए समन भेजा, तो बड़का नमाजी बनकर बोले कि मैं नमाज के बाद आऊंगा। क्योंकि आपको याद है ना कि बॉलीवुड में भी कुछ कारनामे और गुंडागर्दी होती है तो पीछे से नमाज की आवाज आती है, तो इतना पवित्र आवाज है इनका। अमानतुल्लाह खान यह भूल गए कि बुलाने वाला एसीबी है, ना ही उनके चमचे, ना ही उनका कोई भाईजान। एसीबी चाहे तो कब्रिस्तान से भी उठा कर ले आएगी, वो तो फिर भी नमाज की बात कर रहे हैं। छापेमारी अमानतुल्लाह खान के घर में हो और सब कुछ आराम से हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? खबर यह है कि छापेमारी के दौरान एसीपी पर घर वालों ने भी हमले कर दिए थे दोस्तों। जी हाँ, सरप्राइजिंग होगा आपके लिए, बट यही सच है। एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले में अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर चुकी है। मैं आपको अभी कगार पे बोल रही थी, और आपको ये भी बता दूं कि गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ये वही अमानतुल्लाह खान है जिस पर मई 2017 में कुमार विश्वास पर हमला करने के लिए खान को निलंबित कर दिया गया था। 20 फरवरी 2018 को खान और साथी विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर भी मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली में जब CAA के नाम पर हिंसा फैलाई जा रही थी, हाँ CAA भूले तो नहीं होगे ना आप लोग, CANRC, जी हाँ वही, जब हिंसा फैलाई जा रही थी तो इसी अमानतुल्लाह का नाम एक बड़े षड्यंत्रकारी के रूप में लिया जा रहा था। दिल्ली के शाहीन बाग से जब अवैध कब्जा और अतिक्रमण पर MCA कार्रवाई कर रही थी, तो यही हमारे जनाब अमानतुल्लाह खान ही थे जो अपने ही सरकार के बावजूद शाहीन बाग में नौटंकी करने गए थे। इनकी नौटंकी तो याद है ना आपको, कुछ खतरनाक और काफी बहुत खतरनाक थी। इस मामले में भी अमानतुल्लाह खान उस वक्त भी गिरफ्तार हो चुके हैं, और दोस्तों ये सारे गिरफ्तारी, ये सारे केस अब उन पे दर्ज हुए हैं, और इस बात को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है। एक देसी कहावत है कि औकात से ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए। ये कहावत आज के परिदृश्य में आम आदमी पार्टी के विवादित नेता अमानतुल्लाह खान पर सटीक बैठता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता चला रही है, और उनके नेता अमानतुल्लाह खान अपनी उन्मादी और सांप्रदायिक छवि के लिए पूरे राज्य में बदनाम है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने विवादों के बाद भी वह हमेशा कानून के शिकंजे से बच कैसे जाते हैं। अब आप कहोगे केंद्र में सरकार है, इसके अलावा आप कहोगे गृह मंत्री अमित शाह है, फिर भी कुछ क्यों नहीं होता। दिल्ली में जो पुलिस है वो भी हम क्या बोलोगे आप, मोदी जी की है। यह पहली बार नहीं है जब अमानतुल्लाह खान विवाद में आए हैं। ज्ञात हो कि अमानतुल्लाह खान ने शाहीन बाग में CA को लेकर विरोध प्रदर्शन, और उसके बाद इतना ही नहीं दोस्तों, हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों से पहले मुस्लिम भीड़ को खुलेआम
भड़काया था। और इस मामले के बाद से ही अमंतुल्ला खान काफी समय से दिल्ली पुलिस के रडार पर थे, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो सबसे ईमानदार स्वीट आतंकवादी बताते हैं, उनके समर्थन के कारण वह अपने कुकर्मों से बचते रहे। वहीं अमंतुल्ला खान ने कई मौकों पर साबित किया है कि वो देश के नाजुक सामाजिक ताने बाने के लिए बहुत खतरनाक है और ताने बाने के लिए वो बहुत बड़े खुद एक खतरा है। यह नहीं और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको एक और बात दिला दूं, 2020 में अमंतुल्ला खान अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को मुफ्त राशन की आपूर्ति करने के लिए आप सरकार की पहल का नेतृत्व कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, आज ये घुसपैठ ये पूरे दिल्ली NCR में अवैध रूप से जमीन हड़प रहे हैं, इन्हें नागरिकता दी जा रही है, इन्हें वोटर आईडी कार्ड दिया जा रहा है, पर अमंतुल्ला खान भूल गए थे कि देश में कानून का राज चलता है और उनकी गुंडागर्दी को लेकर दिल्ली पुलिस ने यही सबक सिखाया है। दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी दिल्ली में सभी कुख्यात राजनीतिक तत्वों का एक कड़ा संदेश देगी। हाँ, ये सच है कि दिल्ली पुलिस है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं है कि फैसला ऑन द स्पॉट हो, लेकिन कानून तो है। अमंतुल्ला खान को यह भी याद रखना होगा कि वह एक जनप्रतिनिधि है और उसके बाद भी धार्मिक उन्माद फैलाना संवैधानिक के साथ साथ कानूनी रूप से भी दंडनीय है। अमंतुल्ला खान खुद को कानून से ऊपर समझने लगे थे और वह उसकी अवहेलना कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें इस बार छठे का दूध याद दिला दिया है और उनके सारे पुराने कर्मकांडों को खोलने की प्रक्रिया भी अब शुरू कर सकती है। मतलब अब जब वो सिकंजे में आ ही गए दोस्तों, तो उनके एक एक करके सारे कांड खुलेंगे और उनके सारे बुरे कर्मों का फल अब उन्हें बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं अमंतुल्ला खान के बारे में, आप क्या सोचते हैं हमारे माननीय सो कॉल्ड स्वीट आतंकवादी, अपने आप को खुद जो बताते हैं केजरीवाल जी के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर यूं ही बने रहे और सनातन परिवार को यूं ही बड़ा करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।